हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल सुमो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ओवरकम फियर व्हाइल ट्रेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इन अर्ली ईयर्स ऑफ माय ट्रेडिंग, जब मैं एक बिगनर ट्रेडर था, कई बार ऐसा होता था जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता था, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट ट्रेड मैं फियर के कारण वो ट्रेड अर्ली एग्जिट कर लेता था। अर्ली एग्जिट कर लेने के कारण मेरे अंदर ट्रेडिंग का फियर होता था एंड आई यूज टू सफ़र फ्रॉम दैट ट्रेडिंग फियर। एंड टू ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रेडिंग फियर, मैं इंटरनेट और गूगल से कुछ चीज़ें पढ़ने लगा, जैसे कि यू मस्ट हैव स्ट्रेटर्जी, सिट एंड वॉच द मार्केट एंड डू नथिंग, आपके अंदर करेज होनी चाहिए टू टेक लॉस एंड यू मस्ट हैव नॉलेज। और मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत है, बट ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद ये चीज़ें मुझे उतनी हेल्प नहीं कर पाई टू ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रेडिंग फियर। एंड टू ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रेडिंग फियर, मैं किताबें पढ़ने लगा विच वर बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग फियर माइंडसेट। एंड एडिशन टू दिस, मैं हमेशा ही एक्सपर्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स से एडवाइस लेता था। एंड आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड आफ्टर डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स विद देम, पहले जब मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग फियर के ऊपर किताबें पढ़ लेने के बाद और अपने से बेहतर ट्रेडर्स से डिस्कशन कर लेने के बाद, मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा एंड आई फाइंड सम मेथड्स। उन ट्रेडिंग मेथड्स ने मुझे रियली हेल्प किया टू ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रेडिंग फियर। एंड मुझे काफ़ी खुशी होगी टू शेयर सम ऑफ दोज मेथड्स विद यू ऑल। और उसमें से पहली मेथड है टू चेंज द कलर ऑफ कैंडल। मुझे पता है कि चेंजिंग कलर ऑफ कैंडल काफ़ी एक नॉर्मल एंड ऑब्वियस सी मेथड लगती है, बट समटाइम इट रियली हेल्प्स अ ट्रेडर टू ओवरकम फ्रॉम ट्रेडिंग फियर। स्टॉक मार्केट, फोरेक्स एंड क्रिप्टो में तीन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो जो अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं टू एग्जीक्यूट बाइंग पोजिशन, यानी उस टाइप के ट्रेडर जो मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंग पोजिशन एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं टू एग्जीक्यूट बाइंग पोजिशन इंस्टेड ऑफ सेलिंग पोजिशन। सेकेंड टाइप वाले ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग पोजिशन एग्जीक्यूट करते हैं और इंस्टेड ऑफ बाइंग वो सेलिंग को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। थर्ड टाइप वाले ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं टू एग्जीक्यूट बोथ सेल पोजिशन एज वेल एज बाइंग पोजिशन। एंड आई एम श्योर आप इन थ्री टाइप में से एक ट्रेडर हो। हर टाइप वन ट्रेडर को अपनी बाइंग पोजिशन एग्जीक्यूट करने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसके अंदर एक फियर आता है, जिसके कारण कई बार वो ट्रेडर अर्ली एग्जिट कर लेता है। सेम इन टाइप टू ट्रेडर, कई बार जब भी वो सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करता है, सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन फॉर्म हो जाती है तो उस ट्रेडर के अंदर फियर आता है। नाउ सॉल्यूशन टू दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आप टाइप वन बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट करने वाले ट्रेडर हो तो आप रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल का कलर चेंज कर ले। एंड अगर आप टाइप टू ट्रेडर, सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट करने वाले ट्रेडर हो तो आप ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल का कलर चेंज कर ले। If you are type 3 trader and you are suffering from trading fear, then आप दोनों candle का color change कर लीजिए। And this is one of the most efficient way to overcome from trading fear. And changing color of candle helps trader to build his or her psychological strength. The color you put on your charts can unconsciously give you a bias. हमारी second method is about risk management, which is you must have proper position size. I remember in my early trading days, जब भी मुझे trading में profit होता था in one day, two day, three days in a row, I used to feel very good and confident. And मैं ये सोचता था कि I have become an expert in trading. And जब मैं winning streak experience करता था, and after that, I used to start to forget all my trading rules, plan, risk management, my position sizing. And तब मैं अपनी position sizing बड़ी execute कर लेता था, and I used to have big bets on my trades. और इसका impact मेरी trading psychology पर पड़ा, due to which जब मैं ज़्यादा quantity से trade करता था और अपने PNL पे देखता था तो due to price volatility and PNL देखने के कारण मुझे fear आता था और मैं fear के कारण या तो without waiting till my target जल्दी से profit book कर लेता था और जब trade opposite direction में चला जाता था तब big loss PNL पर देखने के कारण उसे hold करता था
ये सोच के कि अगर एक बार वो बाइंग प्राइस के नज़दीक आता तो मैं ट्रेड क्लोज कर लूँगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता था और मुझे बिग लॉस बुक करना पड़ता था, जिसके कारण मेरे अंदर ट्रेडिंग का बहुत फियर होता था। नाउ सॉल्यूशन टू दिस इज़ वेरी सिंपल, और वो है रिड्यूस योर पोजिशन साइजिंग। नाउ आई एम श्योर दैट कि ये सब सुनने में काफ़ी नॉर्मल लगता है, बट इट रियली हेल्प्स यू टू बिल्ड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जस्ट इमेजिन, अगर आप 2000 क्वांटिटी का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो एंड आफ्टर दैट अगर वो ट्रेड 6 to 7 रुपीज़ भी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो अपने PNL पर आपको 12 से 14,000 का लॉस इंस्टेंट दिखाई देगा, जिसके कारण आपके अंदर बहुत ट्रेडिंग फियर होगा अगर आप एक इंटरमीडिएट और बिगिनर ट्रेडर होंगे तो। ऑन अदर हैंड, जस्ट इमेजिन आप 2 क्वांटिटी का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो क्या आपके अंदर थोड़ा भी ट्रेडिंग फियर होगा? द आंसर इज़ सिंपल, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट। हमारी थर्ड मेथड है राइटिंग ट्रेडिंग जर्नल। राइटिंग ट्रेडिंग जर्नल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट मेथड टू ओवरकम फ्रॉम ट्रेडिंग फियर। ट्रेडिंग जर्नल हेल्प अस टू ट्रैक द ट्रेड्स एंड नो क्या मिस्टेक हम करते हैं एंड कौन सी चीज़ में हम बेटर है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग जर्नल हम हमारे ट्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इज़ वॉट टू राइट इन ट्रेडिंग जर्नल। आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन करें, हाउ डू यू फील आफ्टर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड। राइट डाउन ऑल योर थाट्स इन दैट ट्रेडिंग जर्नल एंड नोट डाउन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल अबाउट योर ट्रेड्स एंड अबाउट योर इमोशंस, कि कैसे थाट्स आते हैं आपके अंदर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड। आपको कैसा लगता है वेन द ट्रेड वॉज इन योर अपोजिट डायरेक्शन। नाउ जब आप ये सब हर एक दिन मंडे टू फ्राइडे नोट डाउन कर लोगे एंड इन सैटरडे संडे वीकेंड्स पर जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल्स का रिव्यू करोगे, देन आपको डेफिनेटली सम पैटर्न्स दिखेंगे इन योर ट्रेडिंग एज वेल एज इन योर सेल्फ, जिसके कारण आप अपने बारे में एंड अपने ट्रेड्स के बारे में पता चलेगा। एंड दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट ट्रेडिंग विदाउट अ डायरी इज़ लाइक शेविंग विदाउट अ मिरर। सो फ्रेंड्स, दिस वर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच यू कैन ओवरकम फ्रॉम ट्रेडिंग फियर। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इन मेथड्स को अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए एंड सी द रिजल्ट टू ओवरकम फ्रॉम ट्रेडिंग फियर। दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS IAS बनो और देश को संभालो। देखिए